दासी महाराज लिखे हरि अनंत हरि कथा अनंत गावही सुनही बहु विधि सब संत। हरि की कथा जब किती गाओ किती सुनो इस कथा रो कोई जो पार नहीं है। हरि अनंत है और हरि की कथा है जो अनंत है। किसी रूप में आप देखो चाहे बाबे हनुमान जी महाराज रूप में देखो चाहे माँ भगवती रूप में देखो चाहे भगवान शंकर रूप में देखो चाहे नखचित्र रूप में देखो बाकी मेन कहीं है कि संसार में शक्ति है जी की परमात्मा री चले है और अनेकों भक्त होया आज भी भगत है जो हमारा जिंदा ही जय है। अब आज तो तरफ लॉकडाउन चले है जगह में थोड़ा कम बढ़िया है बाकी हमें पाछा कहीं सेते है भाई राजेश। तो अब सुनो आप छोटे से रूप में टाइम के अनुसार और भाई रूपों की कथा कविराज वर्णन करे अरे कह सोई सोई धावर चौरा टुकड़ा काट बाबो अरे बाबो पापी रे नुगर सुपरिया जावे रे जीजो खम्मा 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 रे सत्य दरबार की भगवान भावर भूखो या करे प्रेम रा अरे नहीं देखे के इचार विचार और भाव देखे ही बटे प्रभु जी मिले। और वैसे संतों ने लिखा है कि रस की मीठी राबड़ी और बेर की खाटी खीर अरे के बेर की खाटी खीर में भूखा हाँ बावरा और के बहुत सुनिया सौभाग्य जगुबी चंद्रशी रावड़ा रस भरी राबड़ी है जकी महाराज मीठी वे और बेर राख करके अगर जे और बिदा मारो हीरो पुर से नहीं बेकार है। प्यारे सजनो भाई रूपानंद जी रो जन्म गजनेर रे कने बालाड़ो कोटड़ो बीकानेर जिला अठेरो बतावे भाई रूपानंद जी ठाकुर विदुर जी की लड़की आ और यार गुरु कौन है करता के भाटी उगम सिंह जी हरदी भाटी में पिता बारे में ना एक बार ढोनी आया करता और बाबे रु जम्मो लगाया करता वही जाने भाव दे रो मेणो और जाति लोग जय जयकार करता वगड रूनी चे जावे और भाटी उगम सिंह जी भाटी हरजी री है विदुर जी भाटी ढोनी आया ठाकुर और ठकुरनी सा सामने जा और दंडत प्रणाम करियो और कविराज वर्णन करे अरे ओ आज रो सूरज मारे भलो युग्यो बाप जी अरे मारे सत गुरु बेग पधारे
सच्चे दरबार की। बाटी विदुर जी गुरु महाराज ने घरे ले आया और श्यामरी भगत और बाबे रामदेव जी महाराज जमो राखियो जी राखियो महाराज रात भर बाबे रो जमो लागियो और सुबह टेम रे मा ठाकुर विदुर जी देखकर बोले महाराज एक तो क्यों मर भैया रूपा और पहले दिन से एक मेघवान रो छोकरो रे ढाणी रे मा दारू नाम ए दो क्यों नुगरा है और अन आप गुरु उपदेश करो क्योंकि कविराज कहे कि गुरु बिन माड़ा फिर तेर गुरु बिन देते दान गुरु बिन काम आराम हेर के यूं कहते हैं वेद और पुराण। गुरु गम सिंह जी गुरु महाराज भाई रूपों देने और दारू ने गुरु उपदेश दियो ज्ञान दियो और सुग्रह क्रिया गुरु महाराज तो सिख विद्या लेकर अपने देश पधारिया और इन्हें भाई रूपों और दारू दोनों है जो वन में बाछड़िया चलावे भाई रूपों ने देखकर एक दिन फिर बोले दारू जो गुरु महाराज जम्मो दियो जो अपन दे सको क्योंकि टाबर रे दिमाग में बात थी जो जल्दी फिट हुए धर्मजी अब आ रही जी बूढ़ो बूढ़ो ने स्कूल गालिया उन्हें तो मास्टर हम ही फुर्जी है दारू देख करके बोले भाई साहब क्यों नहीं दे सको जरूर दे सको तो पुराने टाइम रे में इलेक्ट्रॉनिक साज नहीं आ पेटी बाजाई को होता नहीं और भक्त लोग के जो बीने रे माथे बाबे रो जम्मो लगाया करता हां भाई रूपा दे एक लकड़की तोड़ी और बीरो है जो तंदूरो बनायो और दारू ने दो ठीकर ले दिए गले दारू जिंजा बना भाई और भाई रूपांते जी एक धूड़ो चौकियो बना और बाबेरी दरगाह और केतली पानी आने लगी आज की है जो मेल दीकड़ सरी है बाबा और सगड़ी वाड़ करके जोत करी है और भाई रूपांते जी कहीं जम्मो जगह बाबे को
सणी आ फूडरे घर नारे सागरे घर सखणी ओ फूडरे घर नारे आ रोई देने रूप दियो ओ भूल गयो कर तारे मो पहली देखा प्रेम गुरसे और दूधा धोया कोयला के भी उजला कर दिन होवे पहली जैसा प्रेम के हमेशा कोनी रहे काचे तांतन तणो तनी और के बड़ियों पहली टूटे और ओछे जलरो नाडियों के वो बरसते में सूखे सादरे घर के संखणी और फूडरे घर नार रोईडे ने रूप दियो जो को भूल गयो कृता प्यारे सजनो अच्छो आदमी वेनी जन लारे हेरो है जो को कोनी वारन लादे सोने रो तार और के रूपे अंधी सेली बोलिया रूपा दे भाई गई उगम सिंगरी चली दारू और रूपों दे इसी प्रकार उन जमो जगाओ बाबेरो चाहे चंदन पकवाड़ होवे चाहे अंधेर पकवाड़ होवे चाहे बोले लॉकडाउन नहीं क्यों नहीं हुए बाबेरा दिल बड़ा है इन्हें मेवा नगर में और रावण मालदे जी राज करिया करता दरबार एक समय 10-20 घोड़ा सा 10-20 संतरी और मेवागढ़ से पुगल चढ़ाई करी पुराने टाइम रे मां पानी रा साधन काए होया करता के पखा लो ऊंट रे ऊपर पखाल लिया करता अठ बालाड़े कोटड़े कन आया और पखाल सो पानी नहीं उड़ियो संतरी जाकर की खबर करी बोले दरबार पखाल में पानी नहीं है तो दरबार देख करके इन्हें पर जाओ संतरी कोई पानी की तलाश करो बाकी महाराज अठे मोटा मोटा धोरा लोग तिशो मरमरिया करदा तो आज दिन है डूब डूब मरमरे संतरी ने भी तलाश लगाई और ठाकुर विदुर जी की ढोणी नजर आई बाकी ढोणी रमन कोई समझदार आदमी नहीं भाई रूपों और दारू है जो बाछड़िया चरावे संतरी जाकर के और सब ऑर्डर लगायो रूपों दियो हैंड भी नहीं क्यों नीचे बैठ जा अभी पांच बदन होया कौन के बीच में बोलो कौन संतरी आज और बोले भाई साहब हमारे साथ रिमोन ने मेवागढ़ दरबार है और साथ में 10-20 घोड़ा 10-20 संतरी है और पखाल में पानी नहीं है और किशो मरा भाई रूपा दीदी देकर के बोले यहां है लोटो हाथ में नहीं देऊं और दरबार ने पानी जरूर पिला दे आठ बेल दे संतरी जाकर के बात करी रावण मालदेजी समझ गया भाई आठ कंडाई चले कोनी क्योंकि भाई रूपांदे जीरो और रावण मालदेजी जीरो पिछले जन्म रो की संबंध बता दे पिछले जन्म रे मैं भाई अड़सी के घर लाल रहा और अब उगम सिंह बेदुर जी भाटी के घरे
रूपों रे नाम ना। तो दरबार और सब संतरी आकर के लाइन बना करके बैठ जावे भाई रूपांते जी वही ढूंढ रो क्यों बनाई डूबा मेरी दरगाह और रूपांते और दारू दोनों आज जोर खड़ा बोले रे बाबा अरे आज आरती कर यहां सूरे पहली में कड़स सजाऊं बोले रे बाबा आज की आपरा पांच वदन होया कोनी और जिकों पहले मैं कल सुटाऊं और सिर्फ सिर्फ आप परमार्थ रे वास्ते मारी लाज राखिया अरे बाबा लाज बने रे वाली रा भाई रूपाजे जी और दारू दोनों आज जोड़ खड़े बोले बाबा आज आरती करिया सो के लिए जो आप रोकल सुटाओ बाकी श्री परमार्थ रे वास्ते आप लाद राखिया भाई रूपाजे जी घोड़ों ने पानी पिलायो सब संतरी आ जगह ने आत्म धोकर के पानी पिलायो राण माल दीदी ने पानी पिलायो बाकी ने तो कोई भी लोटे में पानी निवड़ी और ने दोबारा घड़े में भरियो महाराज रावण माल देवी मन में विचार करियो बोले रे कोई जादूगरों ने ढोणी में आई फसिया शाम रे मां टाइम रे मां और एक संतरी ने भेज करके ठाकुर विदुर जी ने बुलाया बोले दरबार आपने मेवागढ़ दरबार याद करे है दरबार समझ गया भाई कोई दौरे जावे और खर्चो कम पड़ गयो होसी निवली रिमो रिपिया गाल और घोड़े असवार होकर के जार खमा मुजरो मालूम करियो तो दरबार ऊपर सीट दी है और धीरे से एक मंत्री कनो केवाड़ी हो के बोले ठाकुर साहब आप भी बाई रुको दे ठाकुर राण माल दे जी ये जुगवांग करे दरबार देख कर क्यों मैं तो ये काडू राजपूत पर आप क्यों बड़े ठिकाने रहा और मैं एक टाइम आपने पानी नहीं पिला सकूं दरबार दे कर क्यों रे हो और क्यों पानी कम बदियो थो हैं गए ज्यादा में कहीं है नजदीक साओ राग करके और भाई रूपाली जी को ब्याह में जो दरबार के साथ में कर दे दरबार की बारात मेवागढ़ से बड़े धूमधाम के साथ में आई भाई रूपाली जी के साथ में ब्याह हुयो और पुराने टाइम रे मौके बड़े गौरव में ब्याह होया कर तो गंगा सीधा दिया करता मिनक अर मिनक खोरी जो ढोणी में पहली कमी करे आगे पाछे अंधेरी दी भई ओ दारू मारा मन में विचार करियो के भाई रूपा रे गुरु भाई तो है और दारू ने जो भाई रूपा दे जीरे दाई जी दे दो तो दरबार की बरात नेवागढ़ की कांकड़ पहुंची रावण माल दी जी करके बोले दारू जी बोले एक खेजड़िया बावड़िया भोगड़ा खींपड़ा सब के अपना ही है दारू क्यों तो सर बाहु माठी एरियो घेर लूं वन विभाग रो गए बोला आप आठी उतर जाओ प्यारे सनो ने तो दारू कुछ मांगियो अरे मोटे लोगों ने याद ही कोई आवे
और इन्हें भाई रूपारे जी रावण मालदी जी के आगे पहली रानी है जो की चंद्रावल है और इन्हें दुआ दे करके और रानी रूपा ने जो को मैदरी पटरानी बनाई है और इन्हें दारू गांव रे मजा और एक कवाड़ो मांगर लायो और कवाड़ो भेड़ो कर बाबिर और गांव बारे एक कुटिया बनाई ऊपर नेजो लगायो और दारू भूख मुकाबला करन लागयो। भाई तू विलेर मनी गाल ऐसे करते करते एक दिन बदित होया और एक दिन गुरु उगम सिंह जी मन में विचार करियो कि भाई रूपोदे जी को ब्याह कर दियो है रावण मालदेव जी के साथ में और दारू भी साथ में तो अपन चालनो चाहिए। तो गुरु महाराज भगवान रे मोने और तंदूरा मजीरा आदि खा कर मोने जोड़ी गिटा ताई चोड़ो फेरने अरे बड़ा मेवागढ़ में फिर कोई दारू रो घर बताओ कोई दारू रो घर बताओ कोई दारू रो घर बताओ दारू रो महाराज का टी बोटल लिस्ट में नाम कौन कौन बतावे। एक राय आदमी देख करके बोले महाराज इयो बोला देने आशीटी और है गए तो वो के अरे गावरे किनारे रे बाबा झोपड़ी दारू रे और डाणी नहीं आला दे तो ऊपर पर रर त्वचा रे पर सबसे दरबार की बोले महाराज क्यों डोनी को ला देना तो दजा ई गांव रे मोने क्यों केरी कौन मिले शिवाय एक दारू रे डाणी रे ऊपर दजा लगाईड़ी है और क्यों गांव रे किनारे है जो डोनी है दारू है जो को छाजे की छाए बैठो मन में विचार करे बोले कहां लौटे तो निकल के दोरो सरो पर आज लो क्यों निकली और इतने में दारू ने गुरु मरा नजर आया है दारू बड़ो राजी होयो और कभी राज वर्णन कर रहे ओ सतगुरु आया ये सैया मारे पामना
दरबार की। प्यारे सदनों, दारू इसी प्रकार गुरु महाराज ने घर लावे और एक फाटोड़ो सो सप्पड़ भी छे। बोले महाराज ओ मुकमल रो गिदो है पाठ विराजो है। गुरु महाराज देख करके दारू समाचार बाड़ी पूछे, बोले दारू क्यों है थारे? बोला नहीं महाराज हम ठीक है। क्यों? बोले भूख मरो और मौज करो और कपड़ा फाटा है सेल करो, इगर्स की अपनी जेब नहीं रहती सुतारी। गुरु महाराज ने करके बोला दारू भूख क्यों मरे? आपस्ती लंबी चौड़ी गणी है, अरे साधु जमारू के मांगने की लाज है। दारू क्यों नहीं महाराज? मेवा नगर में और रावल बालदे जी राज करे और पहले सुनी बोरे चिड़े के बेगाव रे बोले भगवान फेरी को फिरंदे ने। बोले वारे दारू अच्छो आदमी है राजा बड़ा क्षमस। और क्यों एक बात मन और याद आ गई तो सुन मारी बात। गुरु महाराज कहे के जम्मो जगावन भी ऐसा और ओ है मोको कोई संत भेड़ा हो जाए खासा लॉकडाउन में क्या के मनडो ओ मूर्ख दारू कई करे रासा और एक दिन माय ले भैया निकल जावे ला सा सा क्योंकि मानुष की दे धारण करके और शुभ काम करना चाहिए, दया धर्म संतोष धार और पापों से डरना चाहिए। और यूं करी तो आठ भाई रूपो है और वे नहीं क्यों जमेरा वाइक दे रहा है। दारू की पहली महाराज एक बात बताओ कि थे मारो मिले ना आओ का कोई कड़े कराओ ना आओ भाई रूपो तो जी क्यों पहली देवता जी को रहन दो ओ साते पिरोल वारे अरे संसारी है खाड़ारे अरे हाथ मेरे सोट पे राखे जाड़ा
बोली सत्य दरबार की जय हो। दारू के बोले महाराज सात करोड़ वर है के संतरी आड़ा और आत्मे सोट बेरी बेरख है जड़ा रे क्योंकि भक्ति बिना नर बे बोले है आड़ा और नित उल्टा खोदे खाड़ा। ये गांव रे मौन क्यों भाव भक्ति नहीं है गुरु महाराज देख रहे बोले दारू आसो डरपोक है खाड़ा खोदे वही नर पड़ेला भैया तो यो करी के बाई सारे मेल ठेठ नहीं जाए तो कोई बात को नहीं बाई सारो मेल आवे और भी टेमर मो मुठी पर आखा फेंक दई और आवाज लगा दी बोले भाई साहब आज मारे जो को जम्मो है और गुरु महाराज थन ए जो मेरा आखा दिया है दारू देख करके बोले महाराज इमी रोड़ो पड़े लाई सत्य दरबार की। अरे दारू के बोले महाराज दूसरी रानी क्यों चंद्रावल है जो मैं अगर जे आखा फेंक्यार दे चंद्रावल रे मेल में गया प्रा तो क्यों महाराज जमा ही जमा जा गई रानी है दो ही कठे देवला आवाज और सुनेला सिपाही तो मिटावेला मा तेरी खाज आगे चली और कहला रहे बाज पर अब लगा रखो मारा गुरु महाराज बोले महाराज कैंसिल करो क्यों मनो हुकुम कौन है बोले वारे दारू आछो डरपोक है यो करी तो भाई सारो मेल लावे मी टेमर मो आपा विचार कर लई बोले भाई साहब आज मारे जमो है और गुरु महाराज जमे रे वाइक भेजा है दारू क्यों महाराज मन में तो गाड़ घणाई घड़ी जाए पण पाछो आऊं जंठा लागे प्यारे सजनो दारू गुरु महाराज लो भगो चोड़ो फेरियो खा कर मोने जोड़ी ली और तंदुरा मदिरा आदि और गांव रे मोनिस रे तो गांव रे किनारे एक बुढ़िया माता डोकरी रे और दारू है जो पेलड़ी वेरी कर दियो और दारू कमले तनो बैठ और नीचे सुरों तंदुरो जाड़ और आवाज लगे बोले दादी और दारू के तू सुन मारी सुन घरवाली माए फेरी गालो
भोले सरसे दरबार की। इसी प्रकार बाबे जी जो साइड बोल करके दारू आवाज लगे, बोले सुनो मारी बुढ़िया माए थोड़ी फेड़ी गालो और थार के साधु वो दवार और थान ओ कद को करे पुकार थोड़ी फेड़ी गालो। हूं के एक लोट कोण दी गाले तो पण गुरु महाराज आ गया और के जम्मो दे। प्यारे सजनो डोकरी कोई बाबे ने समझती होती कोई बाबे हो मल रही खींचनरी हो सही फड़ोदरी लोथड़ी लाकटी खारे मिठड़ी डेण की होती कोई उठेरी। रात की जमारू प्रात भरी किला दसे गरी और चौंदी रुपयो मेल ऊपर और जार जय बाबी री गरी और बोले बाबा थोड़ी जोड़ी मोड़ो गए आदि जोड़ी कर दी। मन में विचार करी अरे हो और जमो जाग क्यों नहीं गए क्यों कि ई गांव री माया माया बहुत धर्मात्मा है मिनक तो कोई डगत पाए रही है। दारू मन में विचार करियो कि आज तू गडरे आकर निकल क्यों गडर तो डर कने क्यों बेटे का तो कभी फिरे कोनी और का है जो खुलो फिरे तंदूरो लोड करियो भाई शायद कभी दौड़न रो ही काम पड़े। बेधड़क बाबे रामदेव जी महाराज रा भजन गावतो हो और गडरे आकर निकले और संतरी है जो देखियो और संतरी जाकर के दरबार आगे बात करी बोले दरबार अपने गांव रे मोन एक भीख मांगने आलो फिरे। बोले संतरी आपने नगर में और क्यों और राम घेरो निकले है जो भीख मांगतो फिरे। बोले महाराज को तो आप शाड़ो है। बोले मारो शाड़ो समझियो कोनी। बोला पलाड़े कोट डे पनी जरा हाथे कौन आया। बोले ओ हो दारू जी बोला हुआ संतरी बिगल बजाई दारू पाछल फोरी। बोले तंगुराड़ा तन क्यों दरबार बुलावे। दारू मन में विचार कर ओ डरो पर दारू जा और जय बाबेरी कही है। दरबार समाचार बाड़ी पूछिया और नहीं ठीक है कहीं तो धों कर दी और कहीं कुदरत कर दी गई भूख मन और मौज करो और कपड़ा फाटूडार सेल करो इग्यारह की अपनी जेब नहीं रहे। ठाकुर साहब की सुतारी ठाकुर साहब समझ गया भाई इग्यारह सन पापनी इनकी अपन दियो कौन जेब रे मो हाथ गाले हो और बीस मोर निकली सोने से बोलो दारू जी ए ले जाओ और एक क्यों कपड़ा लता जगह उतारो और दूसरा सिरा हो गयो तो थो हिड़ा लियो कोई डबल लूजर गए और तो कोई बढ़िया हिड़ा गार्डनर गए। दारू मनी मन राजी बोले वारे बाबा आज तो क्यों गुरु मनादरी मेहर है। दारू कई देर बैठ करके और इज्जत मांगी जन गुरु महाराज गुरु महाराज की कृपा हो और ठाकुर साहब देख करके बोले दारू जी थोड़ा 22 साल कभी मिलिया। बोले हम कद के आया जग दिन। बोले आज जाओ थोड़ा 22 साल दू शनिवार को वर्द है और क्यों सेवा शक्ति करता जाओ मिलिया दारू देख करके दरबार आगे कई के लाल टोपी वाला हुआ है। दरबार हाथ से साइन दस्तखत कर दिया सिग्नेचर। बोले कोई तंग कर दो पट्टो बता दिया हमारा आदर दारू जावे कटड़ो किनो जावे जने टक टक जाकर के भाई सारे महल चढ़ियो और आवाज लगाई बोले भाई साहब अरे थे मेल में बैठा सुनो नी भाई रूपा दे
सत्य दरबार की। दारू टक टक जाकर भाई सर मेरे थोड़ी आवाज लगे, बोले भाई साहब तुम्हारे बारे एक दारू भाई आयो है। प्यारे सुनो दारू की आवाज सुनी और भाई रूपान की सब सेवा छोड़ करके और नीचे देखे दारू रही दो दो हाथ दाढ़ी बदुड़ी हेटा ताई चोड़ो पेरने सिर पर टोपी लगाड़ी हाथ रे मोने तंदूरा मजीरा आदि खाक में जोड़ी और भाई रूपाली जी आंख रे मन आंसू आ गयो। बोले रे भैया अरे तू कह दे थारे मनडेरी बात पीरा दारू। अरे भैया ये बाग मारे किस भी दली बोले भैया और बात तो सब ठीक है पर क्यों ये भगवान कद ले लिया दारू देख करके। बोल भाई साहब चिंता ना करो आधो घंटो ही आने लिया है। बोले वारे दारू मैं ना तो ठीक है और भक्ति करे भगवान री और मैं तो अठा करके केद में फंस गई। नहीं तो कोई राम है नहीं कोई श्याम है पर अपन क्यों गुरु महाराज आया और तें दर्शन करिया। बोले आज थे दर्शन करी गला वाले आज आप और जम्मो है और गुरु महाराज को जमेरा बाइक भेजा है और आप जमेरा दो आखा ले भाई रूपाधि को। नहीं भैया मैं जमेरा आखा नहीं ले सकूं क्यों के सात सात करोड़ आड़ा संतरी है और मैं जमे में क्या आऊंगा। दारू मन में विचार करो ठे टाइड आखा नहीं ले आऊं कितनी की बात हुई। दारू दचार रात की जमा दो दरसो भरियो। बोले भाई साहब आखा नहीं लो तो कोई बात को नहीं पर गुरु महाराज प्रसाद भेजो तो ले लो। रूपाधि दोनों हाथ मांडिया। बोले भैया गुरु महाराज को प्रसाद क्यों नहीं लाऊं। हाथ लांबो करते ही और दारू है जो कि उठो दनिया खा रख दिया। बोले भाई साहब जम्मो आज हिंद जाई है और दारू के भैया का थोड़ी ए बैगी आई है। अरे तो ये चार संग में भाई उन्होंने लाई ओ इतना दिन लाग की मन हमारी
जो रिकॉर्डिंग गुरु कृपा साउंड सिंह गुरु तारा चंदी सोनी रेटे और ये गाय कलाकार तोड़ा में सोनी सिलेर निवासी और ढोलक में साथ दे रहे भाई शंकर देसलसर निवासी अरे बारे शंकर और ऑटो पेट पर राजेश राजेश ने तो हेंग जो नहीं है नौका निवासी हरी कृपा भाई मावे वाला जी महाराज जी है और इन्हें ऑर्गन पर मुकेश सिंधु निवासी और इन्हें जीन जी मीठी मीठी जनकार लगा लिया है हमारे तोड़ाराम जी सोनी डेरा सर वाले और इन्हें भानु अनूप और वीडियो शूटिंग गुरु कृपा चैनल पर की गई है आप देख सकते हैं और वीडियो रिकॉर्डिंग मस्तान रोखा और साथ दे रहे हैं बजरंग जी सोनी बजरंग जी साउंड वाले सिनियाड़े वाले और धर्म जी सोनी सिंध गुरु निवासी और जोई जोई जावे दारू देख रहे करे बोले भाई साहब आले भाई आखा के थोड़ी बेगी आई और दो चार संग में तू और नहीं लाई क्योंकि बाबेर जमे सभा तुम्हारा सही जे सुनने वाला श्रोता सही धर्म जी इतना दिन लाग की के मन उंगली खाई और अब तू मारी बेन और हूं थारो हूं भाई दरबार आज तो साइन दस्तखत कर दिया मैं कने भी आ सकूं भाई रूपा जी केवल दारू का जुलम कर दिया अगर मैं जमे में नहीं आई तो बाबे जमे रे आखा रही जुग मैं दूसरी हो जाऊं पर यो करी भैया तो कनिवण सिलाव मारा अरे तो दारू गुरु जी ने कही जे नाम कह दे अगर मैं जीतती रहेगी तो जरूर आऊंगा और नहीं तो क्यों छेला राम राम है अरे भैया मैं जीऊं ला तो आऊंगा जरूर
भौरे सत्य दरबार की। अरे इधर सुनी जाए भाई रूपा जी, क्यों लगे दारू यो करी। गुरु महाराज ने मारा प्रणाम कह दी, अगर मैं जीती रहेगी तो जरूर आऊला और नहीं तो चूकी बात। दारू देख करके बोलो ऐसा एक काम करिया, बोले कहीं के साथ पले रखिया, झूठ मत ही बोलिया क्यों जाओ करी बारू वाले। अरे वारे दारू दारू मन ही मन राजी होकर के और गुरु महाराज का आर जोड़ी खाली करी। हीरा पना माणक मोती सरसी जवार रुपया इत्यादि देखा। गुरु महाराज देख करके दारू तू के तो नहीं गांव मान कहीं होगा लेने। बोले महाराज सब आपकी कृपा है। और भाई रूपानंद जी ने मैं आखा है जो हाथों हाथ दे रहे हो भी जमे में आए तो इन्हें गुरु महाराज और दारू जावे दोनों सब मेरी सामग्री लावे। जम्मे की सामग्री के गुरु जी लाया है सारी, चावल चीनी लाया और के शक्कर है न्यारी। जल छिड़कने लाया है एक पीतल की जारी, अच्छा अच्छा फूल लाया जन खुशबू लागे है प्यारी। वेद विधि के साथ मां रूपार्थ अर्पण करके नरोदी भजन चालू करिया और इन्हें भाई रूपादे जी जम्मे में समय प्यारी करे। भाई रूपाल जी मन में विचार करो, दरबार की पोशाक परिये पहन लो, तुर्रा किलंगी तार लगा लो और हाथ में राइफल बंदूक गल्डा भी तलवार कोई सिपाही बतला सके कौन ही। अरे बाबे रदरफन कर पाती बसी आ जाए। अरे करिया मरदान रे बेश भाई रूपा दे, ओ भाई सा जमलेरी करी तैयारी। दरबार की भाई रूपाजे जी दरबार की पोशाक फेरी, मन में विचार करियो के जिनानो शरीर और मर्दाना कपड़ा की ओ भैया कैसा है। दीवार में कांच लागोड़ो है और अपनो शरीर देखियो और दारू वाले बात याद आई। बोले ओ हो दारू भाई कहो, बोले भाई साहब झूठ मत ही बोलिया और तू तो पूरी क्यों कपट की बन गई। ऐसे तो नहीं है, अगर बाबू हुक्म दे तो क्यों जाओ तो जिनानो ड्रेस नहीं। भाई रूपाजी पाछा कपड़ा उतार और जनाना कपड़ा लगाया और इन्हें भाई रूपाजी ने एक सू पाड़ी हुई। भाई रूपाजी कहूं लग रही सुबह अरे तुरे सुबटिया मारे बीरी धर्म रो ओ तन्ने आज रे भोला मन बादल में करी री
हमारे सत्य दरबार की। भाई रूपाल जी क्यों लग रही सुहा बचपन से लेकर के और बारे मुख निकाल करके मेो मिष्टान तन खिलाए पाड़ के तो मोटो करियो और कदी क्यों कोई काम नहीं बोलायो और आज मैं बाबे रे जन्म में जाऊं और क्यों बादल मेरी रूखल कने राखनी है सो दे अगर क्यों लगे बोल भाई साहब पिंजरे में बैठो कोई जवाब दे तो पिंजरे से बाहर निकालो जो चारों तरफ घूमतो रहो क्यों के थारा घर दरवाजा गणा भाई रूपाल जी पिंजरे से बाहर निकालो और सुगड़ रे कांग्रेस जाए बैठो भाई रूपाल जी क्यों लगे बोले सुवा ओ मारी बुआ बोले जाऊं जम्मे में और दे पग आगे जन्म थी जम्मा ही किए देखो ने काम की शौक किए काम और गणे क्यों के मोटर चलाऊं ना आज तो आठे क्यों काल ने कोई चार कोस दूर वे तो नहीं करा को भाई रूपाल जी क्यों लगे बोले सुवा जा कटी को जान और नहीं हूं दूजो पाड़िया को क्यों सो के अरे कूड़ा कपट भाई साहब मैं नहीं भागूं झूठ थोड़ी बोली जाए अरे मैं तो चून रे खायो रे रावण मान रो सत्य दरबार की। बोले भाई साहब रावण माल दे दी चून खायो झूठ नहीं बोला क्यों के जकीरी खावे बाजरी वेरी बजावे अरे हर राजेश भाई रूपाल जी मनो विचार कर क्या करा तो भाई रूपाल जी सिखाड़ो गुरु महाराज रो नागपुरी रो जाड़ो एकांत बैठ करके और नागपुरी रो जाड़ो पड़ियो पताल लोक में सरप है और जिजे करके बेटे बोले सरपणी मृत्यु मंडल में कोई भगत किए जाकर के दुख निवारण करो सरपणी है जो पंखाधार और पलछिन में आ और भाई रूपाली जी ने महल उतरी बोले भाई आधी रात के समय और मन क्यों याद करी बोले पहले दुष्टिन ले रहा सुए ने सरपणी है जो दो एक फुट उठी जाकर लोटा दिया है और सु उठे बड़े लोटा खाऊं लागो ए नखत बना भली करिया भाई पड़पड़ाड़ कर तो आकर के भाई सारे खोले में पड़ी बोले भाई तो ही काम बोल नहीं थोड़ो हो रहे बोले कहीं के आज मैं बाबे रे जन्म में जाऊं और क्यों बादल मेल भी खाली है जो गुतने राखनी है आली मुस्ती नौकर सागर दास सीधा दरबार आप भी आ जावे तो तू मुंह तोड़ जवाब दे बोले भाई मैं कोई मुंह ना काट ले है मेरा इनो गण लई माते रे कंजो पादरा वाला ला दी बोले भाई कृपा कर खाई मत बचन में लेकर के और पिलिंग पर स्वान और चदरो ओडा और टेढ़ो दरवाजो बंद करके और आतरे मोने भावरी थाली लेकर के भाई रूपाल जी जब में रवाना हो जावे है और इन्हें पहली डोडी पर आवे तो डोडी वान सिपाही सब तो नींद ले लिया है भाई रूपाल जी आकर के और यहाँ डोडी खड़खड़े बोल डोडी वान कोई बात नहीं खा ले वो बोले महाराज आप कौन हो भाई रूपाल जी कह मैं बात
अरे सत्य दरबार की। भाई रूपा जी क्यों लगी डोरी बार, मैं भाटी विदुर जी की बेटी हूँ और भाई रूपा दे मारो नाम है मेरा गढ़ी पटरानी। बोले भाई साहब आधी रात के समय और क्यों आप अटक गया? बोल डोरी बार ज्यादा बात मत कर और डोरी खोल। बोले भाई साहब मैं मेरी नौकरी है जो 7.5 रुपया दे सस्पेंड करा होगा। भाई रूपा जी मैं विचार कर के लालच ले हो। भाई रूपा जी क्यों लगी डोरी बार मिला गया चेहरे रूपो क्यों लगी? जमाल घर अवतार की सत्य दरबार की। प्यारे सजनो भाई रूपा जी क्यों लागी डोडी बान तो ही डोडी रा बिरा के बड़ो है ख्याति और तन को आर हजारी देऊं के जमले में जाती। अरे और थारो के मान बिरा में रखूला प्रभाती और चिटकी और के चूरमो लाऊंगा आती सुबिर टेमर में आवती टेमर में मैं चिटकी और चूरमो ले रहूंगा और वो पूरो और पूरो ही तो ले ली गई। डोडी वान मन में विचार कर रहे 1.25 लाख रुपया और हार ये लॉकडाउन में क्यों बेचो ना कटे क्योंकि ज्वेलर कहें घर बैठा है। बोले भाई साहब पोसावे कौन है क्या
टाटीगढ़ रेवन भाई मारी उम्र बिताऊं और आर हजारी थारों में कठे लुकाऊं, अमलदार आदमी हूं और चुटकी और चूर मेरी जो गुलाग है, बोदोड़ी बाजरी ने के बैल जो खाऊं और चुटकी खाऊं ठोके भाई मैं फट मर जाऊं। भाई रूपा जी मन में विचार करो इनकी लालच छोड़ो दे, क्योंकि ज्यादा लालच काम रो को नहीं चले कौन सा। तो भाई रूपा जी क्यों लगी रोडी वाहन अरे तन पगलानी पायड़ दे तू जागर बाजनिए अरे बीरा घड़ी ये डोडी खुली रा दरबार की भाई रूपों देखकर के रडीवान आप पगोरी है जी जंदर ले ले पगोरी पायल ले ले के जंदर वाजनी और भैया के घड़ी डोडी खुली राख डोडी वन पायल लेकर के जपते करी बोले भाई साहब आधी रात की समय और आप की तो दुख देख करके और बाबेर जमे मदावत हम बाबू कोई दे बोल डोडी वान तुम डोडी खुली कर। बोले भाई साहब डोडोरी चाबी क्यों मारखन कोनी तो कट देगी चाबी। बोले चाबी है जो गोरावल मालकन है लाओ तो खोल दो। तो आधी रात की समय और क्यों आप बाबेर जाओ बाबू थन कोई दे रूपाल दी देकर क्यों बाबू तो सुखाना सागर है अंधा आंखिया दे पगाना पाव देवे निर्धन न धन देवे बौंजिया ना पालना गुलाव बाबू रामदेव जी महाराज। बोले भाई साहब बाबू क्यों बेटा दे और डोडी खोले कौन है। भाई रूपाजी डोडी आगे खड़ा हो और करे बाबा हुक्म दे और इन्हें गुरु महाराज दारू न तंग करे। बोले दारू तू क्यों तो भाई साहब क्यों आखा दे रहे हो भाई साहब जमे में क्यों आया क्यों कौन है। गुरु महाराज के Thank you.
शुक्र सिवरणा गुरु जी सत्य दरबार की छुप गया तारा के दारू रात आई है आदि और भूल गया मारग भाई ने कोई के गली नहीं ला दी। भाई रूपा मारग तो कोई नहीं भूल गया है कर सिवरणा गुरु जी साधना साधी और के खुल गया ताला पड़िया है रजा है अपराधी। गुरु महाराज की कृपा हुई बाबा राम जी महाराज री भाई रूपा रहे जो सातु परोल रहा ताला एक साथ खुलिया है। बोले सत्य दरबार की भाई रूपा जी जमे वहां करके हाजिर होया और आर गुरु महाराज ने प्रणाम करिए। बोले भाई साहिब तू कोई मोड़ो फरिया करे। बोले महाराज मोड़ो तो जावे खैर कोई बात नहीं अर क्यों आई गया जन ओ लो तंदूरो और दो भजन बाबेरा आप ही बोलो। भाई रूपा जी कहीं बाबेरा भजन बोले नीचे सुराऊं गिनो चाड़ और आ ढलती रात अरे पछ दिना नो कंड भाई 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 रे भाई 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 रूपाल जी कह लो सुन जे ओ अजमल घर अवतार माता मेरा तेरा नाम रानी घर अवतार की भाई रूपा जी बाबे राम जी मैं इसी प्रकार हेलो करें और इन्हें रानी रूपोरी आवाज है जिसकी राजा री दूसरी रानी चंद्रावली जगीर कानों में पड़ी है और रानी गौर कर सुनी विकाल ने झूठ नहीं पड़ जाऊं चंद्रावली देख करके बोले दार राजन आप भी क्यों रानी रूपो कटे। बोले मेल में आज बार दूध शनिवार और मैं मेल में नहीं जा सकता
बोले राजन अगर आपकी रानी रूपा मेल में है तो मन खत्म कर दिया, और मेल में नहीं है तो मैंने खत्म कर दिया और मैंने राज दे दिया। रानी चंद्रावल और दरबार दोनों जावे और कहीं है जुगो भी सरपणी रो चंद्रो दूर हटावे। अरे जाय रावण माल दे जी पलोरे हटायो, अरे अब चिड़ियो भंग करो ना, दरबार की रानी चंद्रावत और दरबार जावे और दरबार जई है जो पलू दूर उठायो और सरपणी फण धारण करके और माथे खोनी आई है। दरबार से कौंड है जो लार ने लिया और पंखा धारण करके वो आकाश में उड़ चली। बोले रानी रानी जावे ने पकड़ो अपनी पूंछ। बोले रानी 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 अभी दिन पतो कोनी हो, एक लोटे उठी साथ में पानी पिलायो घर के साव जड़ी ही कोई गए। बोले रानी जटे भी मिले ना और आज रानी ने खत्म कर दिया। तो सलजी खवास और दरबार दोनों जावे, इन्हें जाओ जो जम्मू होनी चाहिए। नहीं सलजी देख रही बोल दरबार थाने ठा पड़े को भले एक रे जाऊं। तो सलजी जावे तो भाई सवार किनारे भाई रुकोरी है जो पगोरी पगर की उतारूड़ी और एक ही बगल में दबाई और एक ही बगल में दबाई नौ दो डेढ़ साढ़ी बारह और इन्हें दरबार शब्द ले रहे। बोले कोई बोले पगर की लायो। बोले कटे हाथ यहाँ करा देने पगर की गायब लकड़ी का काल बूत होकर के नीचे पड़ जावे। प्यारे सदनो आखा खोड़ा ये जगह कोई दिनों फैलाई दिए। सरजी बोले के लायो तो पगर की हो। इन्हें रानी रूपों ने पतो लागे तुम्हें उदास हो जावे। दारू देख करके बोले भाई कोई बात नहीं, जे हरी राखे साई यार मार सके नहीं कोई, बाल न पंखा कर सके और देजो के बेरी हो जाओ भाई, भगवान बचाओ जगन कोई मारियो नहीं है। भाई रूपांत जी रवाने होने लग गया और दारू है जो वे पांच पिंडिया अदरा थियाड़ा चूर मेरा वे थाल में मेल दिया। बोले भाई थाल खाली ना ले जाओ। और इन्हें दरबार कह बोले रानी आधी रात की समय और कट गई बता। बोले दरबार मैं क्यों पुष्प फूल ले रही हूँ। बोले रानी नेड़ो नेड़ो क्यों बगीचो ही कोनी, मारवाड़ मर घर मायने बगीचो नहीं नेड़ो, और एक जरूर है कटे कि जोधपुर के मान एक मंडोरी बाग है तो बीरी है जो को रात रात में सो कोसरी मंदिर की ओपाई बन गई ही। बोले दरबार मैं लाई तो फूल हूँ। तो रानी चंद्रावर खुशी मनावे और इन्हें रानी रूपा दरबार ने कहे बोले दरबार नहीं मैं फूल ले रही हूँ तो फूल बताओ क्यों नहीं है। तो इन्हें भगवान रे आगे प्रार्थना करे रानी रूपा और करे बाबा ओ आवनी बाई सारा बीरा ओ तमर तपदारी
बोले जमाल घर अवतार की रूपो देख रुके बोले बाबा बोई बाणी रिजाज रूणीचे में बैठा और 750 कोस दूर है जगो तेरा दी और सब आप है जो रूपोरी बेल रे मन क्यों नहीं आओ। और भगत ने संकट में देख के बाबू रामदेव इमरा तुरंत है जगो भगवेर मोरे प्रकट होया बोले कई बात है क्यों लड़ो रे राण मालदरी देख क्यों थे परे बैठो आ बाबो मांकर क्यों हैं घर बिगड़ गयो। बोले नहीं मैं तो पूछूं कई बात है बोले आके मु फूल ले रही हूं बता के नहीं है भगवान रामदेव जी महाराज को छोर नहीं बता तो कहीं हूं बता दूं। बाबू रामदेव जी महाराज कहीं रूपा रे थाल रे मा तुमको 60 कर दो जो हटावे और कहीं थाल रे मा जो मंडोरी भाग लगा दे। अरे वारे बाबा अरे आए मारा अंधाता जी पल्लो रे हटायो अरे बाबे थाली मायने बाग लगायो भगवान रामदेव जी महाराज जो ही पर्दो हटायो और थाली रमो ने मंडोरी बाग लगा दियो और रावण मालदेव जी ने ज्ञान होयो संसार में है जो भक्ति है अरे साच बरोबर तप नहीं झूठ बरोबर पाप ओ जिनके हीरे दे के हृदय हरिया दरबार दिया करके बोले रानी ए बाग खाना है जो मनी सीखा रानी रूपा जी क्यों लागे बोले दरबार अगर जे ए बाग बनाओ गुरु उगम सिंह जी महाराज रे चरणों में आलो पड़ी और वने गुरु मानना पड़ी तो रानी रूपा और राण मालदेव जी गुरु उगम सिंह जी महाराज के चरणों में जावे और रूपा दे के बोले दरबार ए रावण अरे ओए जावो ए संत
रानी रूप राम बालदे दी भगवान सु विमुख और वन भगवान ने सनम कर दिया। तो कविराज वर्णन करे, अरे रूपा दे रे संग मेरा वलवाल दे दी तीरिया, ओ रूपा दे रे संग मेरा वलवाल दे दी तीरिया, आ दिन थोड़ा तेरे संग में दे सरदाड़ दीरे दी अम्मा अम्मा हमारे कम गगत मारा। बोलिया जमाना घर अवतार की द्वारिका रे नाथ थी भाई रूपांदे जी रावण मालदी जी ने भगवान रे सम्मुख किया और बड़ी दोनों मिलकर के प्रेम भक्ति करी और सर्वरी प्राप्ति हुई। इसी प्रकार बाबा रामदेव जी महाराज भाई रूपों ने और रावण मालदी जी ने परजो दियो और छोटे से ग्रुप में कथा बताई है। बोले अजमल घर अवतार की कृष्ण चंद्र भगवान की पावन सुत हनुमान की जय हो। अरे वाह भाई शेरों।